नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम कुशवाहा आपका स्वागत करता हूँ प्रोगाइड सीएस चैनल में। तो आज हम लोग चालू करने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007 का जो वीडियो लेक्चर या ट्यूटोरियल है वो चालू करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो उम्मीद है आपके जो सिस्टम या कंप्यूटर है उसमें ऑफिस 2007 इंस्टॉल होगा, और अगर आपके पास अगर लेटेस्ट कंप्यूटर है तो उसमें क्या होगा कि ऑफिस 2019 होगा या 16 होगा। तो उसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। तो आप अगर आपके पास जो भी है, आप कोई सा भी एक सीख लेंगे तो उससे क्या होगा कि आपको जो भी कोई वर्जन मिलेगा तो आप यूज कर सकते हैं आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चाहे आपके पास ऑफिस 2007 है तो भी आप जो हाईएस्ट वर्जन वाले सॉफ्टवेयर उनको यूज कर सकते हैं, या फिर आपके पास 2016 है या फिर 19 है तो आप उससे क्या कर सकते हैं, जो लोवेस्ट वाले 2007 है कोई भी आपको दे देगा तो आप आराम से यूज कर सकते हैं। तो आपको वर्जन को लेकर कोई परेशानी होना है, आप कोई सा भी एक जो भी आपके सिस्टम में है उसको यूज करना है। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ओपन करने के लिए हमारे पास जो ऑफिस वर्ड है वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये ऑफिस वर्ड 2007 मैंने यहाँ पे एक फोल्डर बनाया है, तो ये तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से इसका आइकॉन होता है। तो आपको इसमें डबल क्लिक करना है और ये ओपन हो जाएगा। तो मैं डबल क्लिक करता हूँ, देखिए ये ओपन हो चुका है। तो ओपन होने के बाद कुछ इसका इंटरफेस इस तरीके से होगा। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम आज बेसिक देखने वाले हैं कि इसके अंदर क्या क्या होता है। तो सबसे पहले होता है ये एक पेज होता है, ये जो एक दिख रहा है आपको ये व्हाइट कलर का, ये पूरा एक पेज होता है जो हम लोग प्रिंट निकालते हैं। और इस पेज को आप जूम इन और जूम आउट करने के लिए यहाँ पे देखिए नीचे यहाँ पे एक स्क्रॉलर बना हुआ है। तो आपको क्या कर सकते हैं, इसको ऐसा ये इसको जितना आप स्क्रॉल करेंगे उतना ज्यादा ये छोटा बड़ा होगा। देखिए यहाँ पे ये एक पेज पूरा है। और अगर आपको क्या करना है, पेज नया पेज डालना है आपको, यहाँ पे एक पेज खाली छोड़ना है, दूसरे पेज लिखना है, आप कंट्रोल और इंटर दबा देंगे। कंट्रोल आपके कीपैड में होगा, आपको कंट्रोल दबा के रखना है और इंटर दबा देना है। कंट्रोल कैसे लिखा रहता है, CTRL ऐसा लिखा रहता है। कंट्रोल की जो की होती है उसमें CTRL लिखा होता है, कोने में होती है। तो उसको आपको दबा के रखना है, दबा के रखने के बाद आपको इंटर दबा देना है। ये देखिए तो क्या होगा कि एक नया पेज ऐड हो जाएगा। तो आप जितना चाहे उतना पेज ऐड कर सकते हैं और आप जो चाहे वो लिख सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे अभी तीसरे पेज पे लिख रहा हूँ, देखिए यहाँ पे दो तीन पेज है, तीसरे पेज में हमें लिखना है। तो लिखना कैसे है, आपको नॉर्मल क्या करना है, कीपैड से कुछ भी आपको टाइप करना है। जैसे मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ सीधा, ठीक। अब यहाँ पे आपको कैपिटल में लिखना है तो कैपिटल या स्पेस देना है। स्पेस देने के लिए क्या होता है, आपको जो बीच में एक बड़ी बटन होती है जगह देना है आपको। तो ये मैंने इंटर ये स्पेस दबाया तो ये आगे पहुंच गया, और दबाएंगे तो ये और आगे जाता जाएगा। देख रहे हैं आप जो यहाँ पे ये बटन है ये धीरे धीरे ये आगे इसको आगे जा रही है। ठीक, तो आपको आगे ले जाना है, कुछ जगह देनी है, उसके बाद लिखना है। तो आपको ये बड़ी सी बटन होती है हमारे जो कीपैड होता है उसके बीच में होती है, तो आप उससे क्या कर सकते हैं, जगह ले सकते हैं, कितना भी आगे कर सकते हैं। फिर यहाँ पे अगर हमें कुशवाहा लिखना है तो ये आराम से लिख सकते हैं। ठीक, और इसके बाद एक चीज और देखिए, यहाँ पे हमने कैपिटल में लिखा हुआ है। तो कैपिटल में लिखने के लिए क्या होता है, आपके कीपैड में यहाँ पे शिफ्ट बटन होती है, शिफ्ट दबा के रखना है और आप जो भी लिखेंगे, देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, शिफ्ट दबा के रखा हूँ इसलिए ऐसा लिख रहा है। और शिफ्ट दबा के अगर आप शिफ्ट छोड़ देंगे तो जो आप लिखेंगे वो स्मॉल लेटर में हो जाएगा। तो आपको समझना है कि जो हमारा कहने का मतलब कैपिटल लेटर लिखना है उसके लिए क्या करना है और स्मॉल लेटर के लिए क्या करना है। फिर आगे बढ़ते हैं। तो आगे यहाँ पे एक चीज और होती है, आप कैप लॉक दबा सकते हैं, ऊपर जो शिफ्ट होती है उसके ऊपर ही एक कैप लॉक लिखा रहता है, कैप्स लॉक। तो कैप्स लॉक वाली अगर आप दबा देंगे तो एक लाइट जलाएगी कैप्स लॉक की, आपके जो कीपैड है वहां पे एक लाइट जलाएगी। तो लाइट जलाई मतलब क्या हो गया, आपका कैप लॉक ऑन हो गया। तो कैप लॉक ऑन हो गया तो अब उल्टा काम करेगा, अगर आप शिफ्ट दबा के लिखेंगे तो स्मॉल लेटर में होगा, अगर आप शिफ्ट छोड़ देंगे तो ये कैपिटल लेटर में लिखेगा। तो ये दो चीजें आपको ध्यान रखना है। फिर आता है यहाँ पे, देखिए मैंने यहाँ पे एक लाइन लिखा फिर दूसरी लाइन पे लिख रहा हूँ, तो दूसरी लाइन में लाने के लिए क्या होता है, इंटर होता है। तो आप जहाँ पे लिख रहे हैं वहां से अगर आप इंटर दबा देंगे तो ये नीचे आ जाएगा, एक बार और इंटर दबाएंगे नीचे आ जाएगा, और इंटर दबाएंगे और नीचे। तो जितनी लाइन में आप लिखना चाहते हैं उतनी लाइन में आप लिख सकते हैं। डिलीट के लिए इंटर के ऊपर ही डिलीट बटन होती है, बैक स्पेस बोलते हैं उसको, आप उससे वहां से ऐसे करके आप एक एक टेक्स्ट जो है डिलीट कर सकते हैं। ठीक, तो अभी हम लोगों ने केवल ये बेसिक देखा है और थोड़ा सा और आगे देखते हैं। फिर होता है यहाँ पे ये होता है, ये इसको रूलर बोलते हैं। रूलर से क्या होता है आपको समझ में आएगा कि पेज कहाँ चालू, जैसे यहाँ पे ये एक रूलर बना है यहाँ से लेके और यहाँ, तो यहाँ से ये पेज चालू हो रहा है इतनी जगह बचेगी, और यहाँ से इतना जगह बचेगी, और यहाँ से ये इतनी जगह बचेगी। तो ये अगर आपके पास नहीं है तो आप व्यू में जाएंगे, यहाँ पे रूलर लिखा है, आपको रूलर पे टिक लगाना है, अगर टिक नहीं लगी है तो रूलर नहीं आएगा। तो आपको समझ में नहीं आएगा पेज कहाँ से स्टार्ट हो रहा है कहाँ खत्म होने वाला है, इसलिए आपको रूलर ऑन रखना है। ठीक, फिर आता है यहाँ पे दूसरा चीज आपको ध्यान रखना है, जब आप कभी भी ऑन करेंगे तो आपको क्या करना है, यहाँ पे पेज लेआउट के अंदर जाना है, जैसे मैंने यहाँ पे बताया व्यू, आपको ध्यान रखना है। फिर आता है पेज लेआउट, पेज लेआउट के अंदर आपको जाके यहाँ पे साइज चूज करना है। साइज देखिए यहाँ पे मैंने A4 साइज लिया है, हमारा जो मेनली पेज यूज होता है वो A4 साइज का होता है।
तो जब भी आप कोई भी डॉक्यूमेंट या फाइल बनाएंगे तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको पेज लेआउट के अंदर जाके यहाँ पे साइज चूज करना है। ठीक, A4 साइज जो है मेनली यूज होती है हर जगह कंपनियों में, तो आपको ये ध्यान रखना है। फिर आता है यहाँ पे ओरिएंटेशन, दूसरा चीज आपको ध्यान रखना है। कभी कभी होता है आपको कुछ आड़े भी निकालना है, जैसे कुछ लिखना है आपको, रूम किराया देना है और ऐसे ऐसा आपको लिखना है, तो आप ये आड़े में लिखेंगे तो थोड़ा जगह ज्यादा लेगा, तो आप क्या चाहते हैं इसको थोड़ा तिरछा करके, मतलब जो पोर्ट्रेट होता है उस टाइप में लिखना है आपको। तो ये आप यहाँ पे जाके ये पोर्ट्रेट में है इसको लैंडस्केप कर देंगे, तो अब क्या होगा ये ऐसा टेढ़ा हो जाएगा, पेज जो है पलट जाएगा, तो क्या होगा आपको काफी जगह मिल जाएगी ताकि आप आराम से जो चाहें वो लिख सकते हैं, तो ये बड़ा बड़ा एक पोस्टर टाइप में बना सकते हैं। तो दो चीजें आपको करना है, पेज लेआउट के अंदर पेज साइज चेक करना है और पेज ओरिएंटेशन जैसा चाहिए वैसा आप ले सकते हैं। ठीक, फिर आता है यहाँ पे सेव करने के लिए। तो सेव करने के लिए यहाँ पे देखिए विंडो बटन बनी हुई है, इसको आप लोग ये ऑफिस बटन बोलते हैं इसको, इसको क्लिक करेंगे सेव पे जाएंगे। आप सेव दो तरीके से कर सकते हैं, सेव में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक वो खुल जाएगी विंडो, विंडो खुल जाएगी तो इसे क्या होगा कि आप जहाँ पे चाहे वहां सेव कर सकते हैं। अगर मैं डेस्कटॉप में जाना चाहे तो डेस्कटॉप में जाके ये मैंने एक शिवम नाम का एक फाइल बना देता हूँ, देखिए यहाँ पे मैं शिवम बन, यहाँ पे जो भी आप लिखेंगे उस नाम की फाइल बन जाएगी और सेव कर देंगे। ठीक, अब देखिए यहाँ पे विंडो होम स्क्रीन, यहाँ पे शिवम नाम की फाइल बन गई, इसको डबल क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगी। ठीक, तो ये समझ में आया होगा। और अगर बाय चांस इसको एक जगह और सेव करना है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे जाके सेव एस पे क्लिक करेंगे, फिर से आप खुल जाएगा। अभी हमें डेस्कटॉप में नहीं चाहिए, हमें कहीं और चाहिए, हमें अगर डी ड्राइव में चाहिए तो डी ड्राइव में डाल के और सेव कर देंगे, तो डेस्कटॉप में है ही और यहाँ पे भी एक उसकी कॉपी आ जाएगी। ठीक, तो आप जिस लोकेशन में चाहते हैं उसके लिए सेव एस पे क्लिक करना है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है कि जब भी आप कुछ भी टाइप करें उसको कंट्रोल एस दबाना है, कंट्रोल एस से भी सेव होता है। तो सेव के लिए तीन है, सेव एस, सेव, सेव एस, ऐसा करके तीन चीजें हैं। आप चाहें तो कंट्रोल एस दबा सकते हैं, सेव एस दबा सकते हैं और सेव वाली बटन जो है उसको भी लगा सकते हैं। फिर आपको क्या करना है, जब भी आपकी फाइल अगर कुछ आपने टाइप करा, अभी मान लीजिए मैंने ये लिखा, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे सेव बटन पे क्लिक कर दूंगा तो ये सेव हो जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, कोई भी फाइल को आप सेव कर सकते हैं। ठीक, तो ये चार चीजें आपको ध्यान रखनी है, चार से पांच चीजें जो मैंने बताया आपको, लिखना, सेव करना, पेज को जूम इन और जूम आउट करना, ये चार पांच चीजें आपको ध्यान रखना है। और अगला जो वीडियो आएगा वहां से हम लोग होम के अंदर ये सारे जो ऑप्शन है टूल्स हैं इनका यूज करेंगे, कैसे आपको फॉन्ट को डिजाइन करना है, कैसे टेबल बनानी है, ये सब हम लोग बनाने वाले हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही, वीडियो पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें, धन्यवाद। आपको एक बात और बताना भूल गए, तो आपको ध्यान रखना है जब मैंने बताया आपको कि कैसे टाइप करना है, तो आपको टाइप करना है, कुछ लिखना है, आपको कोई एक कॉपी लेना है, कोई पेज लेना है, उससे आपको देखना है और देख देख के यहाँ पे लिखना है। और जो भी आपको क्वेश्चन हो, कोई सवाल हो, तो मैं व्हाट्सएप नंबर आखिरी में यहाँ पे पिक्चर लगा दूंगा, तो आप उस व्हाट्सएप में कर सकते हैं कि आपको समझ नहीं आया। और अगर आपको मैसेज करना नहीं आता, आप एक वीडियो रिकॉर्डिंग करें अपना, जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही है स्क्रीन को आप रिकॉर्ड करेंगे और उसका वीडियो आप हमें व्हाट्सएप करेंगे, तो हम उसका जो प्रॉब्लम है उसका आपको सोल्यूशन जो है हो सके तो वीडियो बना के आपको ऐसे मैसेज द्वारा या समझा देंगे, तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो आपको इसको टाइप करना है, एक पेज लेना है, फाइल बनानी है आपको, उसको मतलब लेना है और उसको आपको टाइप करना है। लगभग एक पेज आप टाइप करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कुछ भी लिखते कैसे हैं, कैसे कभी कैपिटल हो गया तो उसको स्मॉल में कैसे लिखना है, क्या करना है, आप अच्छे समझ जाएंगे। ठीक, तो आपको प्रैक्टिस करना है और अगले वीडियो से हम लोग जो है तो उसको डिजाइनिंग और थोड़ा फॉन्ट और ये सब साइज जो है हम चेंज करना सीख लेंगे। तो बस अभी के लिए धन्यवाद।